मिशन यूपी की शुरुआत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत को ऐतिहासिक बनाना चाहता है। इसके लिए महापंचायत में देश भर के 300 से ज्यादा सक्रिय संगठन शामिल होंगे, जिनमें करीब 60 किसान संगठन होंगे और अन्य कर्मचारी, मजदूर, छात्र, शिक्षक, रिटायर्ड अधिकारी और सामाजिक महिलाएं और संगठन शामिल होंगे। किसानों के 40 संगठन अग्रणी भूमिका में रहेंगे, जबकि 20 संगठन पूरा सहयोग इसे प्रदान करेंगे। महापंचायत में आने के लिए अभी तक 22 राज्यों के प्रतिनिधियों से सहमति मिल चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा की मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत पर सरकार को लेकर विपक्षी दलों तक की नजर है। मोर्चे के सदस्यों को लगता है कि इस महापंचायत से कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलनों को नई दिशा मिलेगी। इसमें यूपी के बाद सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान के किसान शामिल होंगे। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल वहां के किसान नेताओं ने भी पूरी व्यवस्था कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों के अनुसार पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों के नेताओं ने अपने साथ हजारों की संख्या में किसानों को लेकर आने का लक्ष्य तय किया है। यूपी के बाहर से आने वाले किसान संगठनों के नेता और किसान 4 सितंबर की शाम तक मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे, जिससे उनको महापंचायत के दिन किसी तरीके की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपको बता दें कि 5 तारीख यानी कि कल मुजफ्फरनगर महापंचायत का आयोजन किया गया है और इस महापंचायत से पहले पहले सभी जगहों पर किसान संगठनों से मुलाकात राकेश टिकैत कर चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में किसानों की सियासत में क्या अगर नाम आप बात करते हैं तो टिकैत साहब, बाबा महीन टिकैत की विरासत को आगे चलाया जा रहा है और उसमें एक बेहतरीन तौर पर राकेश टिकैत का नाम निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि अध्यक्ष तो नरेश टिकैत हैं जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, लेकिन प्रवक्ता राकेश टिकैत है और अग्रणी रूप से इस समय वो लगातार जो किसान संगठन है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, ताकि जो मुजफ्फरनगर की महापंचायत है उसे एक ऐतिहासिक महापंचायत बनाया जा सके। सबसे अहम बात है कि 60 किसान संगठन वहाँ शामिल होंगे, 40 जो हैं वो अग्रणी भूमिका में हैं, 20 जो हैं वो सपोर्टिव भूमिका में हैं। मेरे साथ मेरे पैनल जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करती हूँ। क्षेत्रीय नंबरदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं, इसके साथ ही मेरे साथ कैप्टन आई सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहला सवाल मैं सतीश जी आपसे लूंगी, क्योंकि कल महापंचायत का आयोजन है, हर राज्य में किसान नेताओं से आप पहले ही मुलाकात कर चुके हैं, संगठनों से मुलाकात कर चुके हैं, क्या लगता है आपको ऐतिहासिक इस महापंचायत को बना पाएंगे, सरकार तक एक बार फिर अपनी आवाज़ को बुलंदी से पहुँचा पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने हमेशा ये पूरे किसान आंदोलन को जमीन से दिखाने का काम किया। और रही बात महापंचायत की, इस देश में अब तक की सबसे बड़ी पंचायत होगी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनती होगी। इसमें पूरे देश का किसान और हर क्षेत्र का संगठन जो भी, इसमें एक खाली किसान नहीं जाएगा, क्योंकि ये तीनों काले कानून है जो ये हर उसको प्रभावित करने का काम करते हैं, मध्य वर्ग को, जो गरीब जनता है उसको, इसमें सबकी भागीदारी होगी। और ये पूरे देश में ये जो अलोकतांत्रिक सरकार बैठी हुई है, जो किसानों पे किस तरह और गरीब जनता पे महंगाई का और किस तरह अत्याचार करने का काम किया जा रहा है, जैसे किसानों के सर फोड़ने का काम, ये क्योंकि ये पहली एक ऐसी सरकार है जो किसानों के सर फोड़ के ये कानून से जबरदस्ती थोपना चाहती है। इसी विषय में किसान आगे की अपनी रणनीति बनाएगा और युक्ति मिशन में इस सरकार को किस तरह उखाड़ फेंकने का काम हो, ये इसके चर्चा होने का काम होगा। जी बिल्कुल सतीश जी, अगर मैं बेसिक एजेंडे की बात करूं तो बेसिक एजेंडा इस महापंचायत का क्या है? मात्र 3 कृषि कानून की बात की जाएगी या फिर किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर चर्चा की जाएगी? दिल्ली में जो सरकार की तरफ से व्यवहार किया गया वो चर्चा में रहेगा मुद्दा, कि आप मात्र जो 3 नए कृषि कानून है उसी का विरोध करेंगे आप? ये तीनों कृषि कानून और जो देश का महंगाई का बोझ
जो माननीय प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री काल में किस तरह झूठ बोल के 35 रुपए डीजल लीटर बेचेंगे, इसका सबका विश्लेषण करके ये पूरे देश की जनता को बताया जाएगा। अब भैया सरकार किस तरह लोगों का हनन करने पर लगी हुई है, किस तरह गरीब जनता की थाली से हर चीज गायब होने का काम हो रहा है, जनता को पूरा बताया जाएगा। और यूपी यूपी मिशन मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड इसमें शुरुआत होगी, जो आगे 6 महीने के अंदर इनके इलेक्शन होने वाले हैं, इनको ये दिखा दिया जाएगा और किसानों पे इस तरह की भद्रता करने का क्या परिणाम होता है। और आज तक इन्होंने उस एसडीएम पे कोई भी कार्रवाई ना करके दिखा दिया और ये किस तरह ऊपर के बैठे हुए जो लीडर लोग हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आदेशों से किसानों का सर फोड़ने का काम हुआ। ठीक है, कैप्टन आईसिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए। कैप्टन आईसिंह जी क्या कहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे उत्तराखंड की बात कर लीजिए, आगामी समय में विधानसभा चुनाव लगे हुए हैं, ऐसे में महापंचायत का आयोजन होना, 60 किसान संगठनों का पहुंचना, छात्रों का, मजदूरों का, युवाओं का, महिलाओं का, महिला संगठनों का, सामाजिक संगठनों का पहुंचना कितना असर आपकी सियासत पर डालेगा? क्योंकि किसानों का अगर इतना बड़ा आंदोलन, ये ऐतिहासिक महापंचायत अगर हो गई तो असर तो जरूर आप पर चुनावी डालेगा। नहीं, इनका हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और सबसे सबसे बड़ी मैं सतीश जी को एक बात बताना चाहूंगा, जब सतीश जी ने एक शब्द कहा था कि अलोकतंत्र सरकार, अरे भाई सरकार ये देश ने चुनी है, अलोकतंत्रिक मत कहिए आप अपने शब्दों में सुधार लाइए, आपके शब्दों में विरोध यही महसूस हो रहा है। आपने जो ये शब्द कहे इससे आम जनता का अपमान किया है आपने, ये जनता से चुन के आई है, ये अपने आप नहीं बन गई है, ना किसी ने किसी एक ने बना दिया है, तो ये देश की चुनी हुई सरकार है। और मैं आज किसान नेता का जो वेशभूषा देख रहा हूँ उससे भी मुझे लग रहा है कि आज किसान का रंग ना होके इन पे कुछ और ही रंग नजर आ रहा है। तो कौन सा रंग नजर आ रहा है कैप्टन आईसिंह जी आपको, किसानों में कौन सा रंग नजर आ रहा है? अब सामने दिखाई दे रहा है कि किसान का रंग कौन होता है और जो जिस रंग में ये रंगे वो रंग कौन नहीं नहीं, डिबेट में जब बैठे तो बिल्कुल क्लियर पारदर्शी बात होनी चाहिए, यहाँ पर संकेतों का आधार मुझे नहीं चाहिए, सांकेतिक बातें नहीं करूंगी मैं। आज ये जो है ना जिस रंग में रंगे हैं वो पूरा विरोधी रंग है इनके ऊपर, उस रंग में रंगे हुए हैं जो विरोधी संगठन जितने भी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी हो, बंगाल में इनके इनके नेता राकेश गए थे प्रचार करने के लिए, तो एक किसान की बात कर रहे हैं, किसान कहां से रह गए? तो पड़ा था ना, आप विरोधी पार्टियों का आप प्रचार कर रहे हैं। कैप्टन आईसिंह जी असर तो पड़ा था ना, राकेश टिकैत अगर पश्चिम बंगाल गए तो असर पड़ा, क्योंकि आपने नहीं सुनिए तो सुन लीजिए बात सुन लीजिए, आपने मंच से वहां पर सत्ता पर काबिज होने की बात कही थी और आपने कहा था कि 2 मई दीदी गई, लेकिन दीदी ने वापस आ गई, दीदी वापस आ गई। आप मेरी बात सुने, समझने की कोशिश करें। हाँ जी, कि हमारी स्थिति वहां क्या थी उस चुनाव से पहले, कुछ भी नहीं थी, हम कहीं नहीं थे और हम एक साथ 77 सीटें लेके आए। तो बाकी ये तो कहना पड़ेगा, अगर ये थोड़ी कहेंगे कि हम यह चुनाव हारने के लिए आए, हम तो अपनी जीत जीत जीतने के अपने जीत के दावे करेंगे, जीतने के लिए हर जो है ना, चाहे वो पहलवान हो चाहे खिलाड़ी हो, जीत के लिए लड़ता है। आपके पास तो हम जिस हिसाब से वहां लड़े थे, अपनी जीत का दावा करना हमारा वाजिब था और हमने वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। राकेश की कलाई खुल चुकी है, जितने भी किसान नेता है उनको पूरी दुनिया जान चुकी। मैं एक चीज एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि अभी तक इनको 10 महीने होने को जा रहे हैं, इन्होंने आज दिन तक भारत के कितने किसानों को अपने साथ जोड़ा है, पंजाब के और कुछ हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के 1-2 जिलों के कुछ किसान, पूरे भी नहीं है। अगर इनके साथ पूरे होते तो राकेश टिकैत का प्रत्याशी पंचायत चुनाव में जमान जब्त नहीं कराता। तो इसलिए इनके साथ कोई किसान नहीं, इनके साथ है तो कांग्रेस पार्टी है। और जो इनका ये जो होने जा रहा आयोजन, आप थोड़ा भी आपको असर नहीं देता, अगर जिस तरीके से आपने कह दिया कि पंजाब में किसान है, हरियाणा के थोड़े से किसान है, उत्तर प्रदेश के थोड़े से किसान है, उत्तराखंड के थोड़े से किसान है, राज्य चार, आपने खुद ही 4 राज्य गिना दिए मुझे, इन 4 राज्यों के किसान आप पर थोड़ा सा भी असर नहीं डालते? हम अंदर पूरे राज्य नहीं गिना दिए, आप बात तो समझे, एक तरफा ना ले जाए, अपने शब्द हमारे मुंह में
अपने शब्द हमारे मुंह में डाले। आपने चार राज्यों के नाम लिए, इसीलिए मैंने क्लियर किया कि आप चार राज्यों में सबको गिन रहे हैं क्या? मैंने ये कहा है चार राज्यों के कुछ किसान मुट्ठी भर। ठीक है ठीक है, अब मैं सतीश जी के पास जा रही हूँ, अब मैं सतीश जी के पास जा रही हूँ। सतीश जी, आपने शब्दों को सुन लिया, इसीलिए मैंने दोबारा इनको दोहरवाया भी है ताकि आप गौर से सुन सके कि इनका कहना है कि जिन राज्यों की आप गिनती गिना रहे हैं कि उत्तराखंड से किसान आएंगे, पंजाब से किसान आएंगे, हरियाणा से किसान होंगे, उत्तर प्रदेश के किसान होंगे, राजस्थान के किसान होंगे, तो ये कुछ चुनिंदा किसान आपके साथ जुड़ने वाले हैं। ये नहीं, राज्यों की पूरी तादाद किसानों की आपके साथ नहीं जुड़ने वाली है। अगर ये पूरी तादाद जुड़ती तो शायद वो विचार विमर्श करते, लेकिन कुछ के साथ क्योंकि आप आंदोलन कर रहे हैं इसलिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय भाई साहब को एक बात बता दूं, और जो ये बोल रहे थे लोकतांत्रिक सरकार, ये पूरे देश की चुनी हुई सरकार थी जो इन्होंने आज लोकतंत्र का हनन करके किस तरह लोकतांत्रिक होने का काम किया, किस तरह कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथों के इशारों पे आज ही देश को बेचने का काम किया। मैंने इसलिए लोकतांत्रिक कहा, मैं खुद इस सरकार को वोट देकर इसको निर्माण करने में भागीदार रहा हूँ, लेकिन इसके कार्यकलाप देख के इनके खिलाफ खड़ा आज इसलिए हुए कि आज जो हर चीज को बेचा, आज ये किसान को भी बेचने के लिए लग गए। और रही बात चंद मुट्ठी भर किसानों की, आज पहले सबसे पहले बोलते थे कि तो कुछ चंद पंजाब के किसान है, किस तरह पंजाब हरियाणा के किसान इनके तूफानी जो इन्होंने अत्याचार किए उनसे लड़ते हुए दिल्ली के बॉर्डरों तक पहुंचे हैं, और आज ये खैर यूपी तक पहुंचे, उत्तराखंड तक पहुंचे, कल ये खुद पूरे देश में इस बात का कहने लगेगा कि पूरे देश के किसान है। आज ये खुद अपनी बातों में घेरने का काम किया जा रहा है, और ये महापंचायत ये इनको दिखा देगी और किस तरह का इनके लोग खिलाफ है, और आज पूरा देश इनके खिलाफ एकजुट होके इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। सतीश जी, अपन सतीश जी एक सवाल यहाँ पर जरूर मैं पूछूंगी, क्योंकि जिस तरीके से कैप्टन आई सिंह जी ने कहा कि बड़ी तादाद किसानों की नहीं है, आपने कहा कि हम जो है हम तो वोटर रहे हैं, आप वोटर हैं तो इनमें इनको आप में विरोधी क्यों नजर आता है? इन्होंने कहा कि अब वो किसान के तौर पर थोड़ा बैठे हैं, अब तो वो विरोधी बन चुके हैं, आप तो धुर विरोधी हो गए इनके। मेरी छोटी बहन, इन्होंने कैप्टन साहब ने जो 11 दौर की बात करी, और तो ये खुद कहते हैं कि आतंकवादी है, उग्रवादी है, मवाली है, तो ये सरकार मवालियों से बात करती है क्या? मैं अपने बड़े भाई से ये बात बिल्कुल वाजिब बात है, बिल्कुल वाजिब बात है आपकी। कैप्टन आई सिंह जी इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल वाजिब बात सतीश जी ने कही, क्योंकि आपने 11 दौर की देखिए बातचीत तो की है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि आपने 11 दौर की बातचीत की है, और उसके बाद इन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, मवाली, गुंडे, पाकिस्तानी सारे शब्द इनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार जो है हिंदुस्तान के नागरिकों से चर्चा कर सकती है, बाकियों के लिए नीति का प्रयोग करती है, तो ये बार बार जब आप शब्द कहेंगे तो महापंचायतों का इस तो सामना करना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल, इसका जवाब मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है। हाँ जी, दीजिए दीजिए। जब इनके साथ हम जो चर्चा कर रहे थे और इनका आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस टाइम हमने भी समझा था कि ये किसान है, मगर जब इनके किसान में आंदोलन में कौन घुसा, खालिस्तान समर्थक, आपने देखा होगा खालिस्तान के झंडे इनके आंदोलन में लहराए गए, खालिस्तान के ट्रैक्टर खालिस्तान लिखे हुए ट्रैक्टर इनके आंदोलन में आए, और जिस तरह से जो है ना इनके जो बॉर्डर है जहां इन्होंने अपने लोग बैठा रखे हैं वहां पर पूरा जो है ना खालिस्तान समर्थक वाला काम हुआ। जब खालिस्तानी झंडे फहराए गए थे तो उन खालिस्तानी समर्थकों को या झंडा फहराने वालों को, तो इन किसान नेताओं को कह लीजिए चाहे इन किसानों ने जाकर के पुलिस को पकड़ाया था। राकेश टिकैत ने कहा था अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा संदिग्ध लगता है आप उसे गिरफ्तार कर सकते, पूरी अनुमति है, आप उसे गिरफ्तार करके लेके जाइए इस आंदोलन में से, और हम उसके साथ खड़े होंगे कि आपने जो किया वो न्यायिक प्रक्रिया के आगे कोई भी नहीं होगा। तो असामाजिक तत्व तो कहीं भी आ जाते हैं, आपकी रैलियों में भी आ जाते हैं। नहीं, असामाजिक तत्व आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं इनके यहाँ तो डेरा डाल के बैठे हैं, इनका संचालन ही वो कर रहे हैं, आपने देखा होगा राकेश टिकैत आ रहे नंबरदार, शुरू में जब आए थे तो उनकी पगड़ी का रंग कौन सा था, किसान रंग ग्रीन, और थोड़े दिन बाद उसका रंग बदल गया था, देखा था,
तो रंग जो है ना खालिस्तानियों ने बदलवा दिया था कि आप इस रंग में रंगिए। तो इनकी मंशा साफ शुरू से नहीं है। और फिर देखिए कैप्टन आई सिंह जी, उस हिसाब तो उस हिसाब से आज जो है नंबरदार जी ने जो पगड़ी पहनी है वो तो आपके दल का रंग है, क्या कहेंगे फिर आप? वो आपके दल का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भगवा रंग की पहनी उन्होंने, जिस रंग का भाजपा का झंडा है उसी रंग का नंबरदार जी ने रंग पहना हुआ है। आप रंगों को क्यों बांट रहे हैं? रंगों के बांटने से थोड़ा होता है, दिलों का मतभेद आप मिटा नहीं रहे, रंगों में आप बांट दे रहे हैं। नंबरदार जी, यहाँ पर कैप्टन आई सिंह जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो है खालिस्तान के रंग की पगड़ी पहन ली थी वह समर्थन कर लिया था, आज आपने भाजपा के रंग की पगड़ी पहनी हुई है जिस रंग का भाजपा का झंडा है। वैसे तो हमारे तिरंगे के झंडे में भी सबसे ऊंचा यही रंग है, लेकिन भाजपा इसे अपना रंग मान लेती है, तो क्या आज आप भाजपा का समर्थन करने बैठे हैं? हम जब बात किसान की कर रहे हैं तो हमें किसान के किसान का ही रंग हम पे होना चाहिए ना। किसान की बात किसान की कर रहे हैं और आप संकेत कुछ और दे रहे हैं क्या आप? ये तो गलत बात है कैप्टन आई सिंह जी। खालिस्तानी बैठे जो देश द्रोहियों को गिरफ्तार करने का काम क्यों नहीं कर पाए? इसके सामने आज तक महीने से हम बैठे हुए हैं और ये खुद इनके इंटेलिजेंसी सरकार है, पूरा इंजाम इनके पास है। आज तक ये इतना सिद्ध नहीं पाए सिर्फ जबानों से बाकी खालिस्तानी है, क्योंकि इस सरकार की हमेशा एक नीति रही है। वो तो अभी भी कह रहे हैं नंबरदार जी, तो अभी भी कह रहे हैं कि आपको आपके लिए जो अग्रणी है जो आपको गाइड कर रहे हैं वो खालिस्तानी है। जब एक बार बताइए ना, तो ये आज तक इनको गिरफ्तार करने का काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमेशा इन्होंने एक देश में विद्रोह फैलाने वाला, झूठे राष्ट्रवाद का नारा देने वाला, झूठी जातिवादी पे जहाँ पर 1035 का नारा देने वाले, जहाँ पे हिंदू धर्म का नारा देने वाले, हिंदू हिंदू सिख को अलग पाड़ने वाले, इनका हमेशा ये रहा देश में किस तरह विद्रोह और इनकी राजनीतिक रोचना सीखती रही। जो ये किसान समाज पूरे देश में छाती हड़ाकर खड़ा और पूरे देश को एक एक माला में परो के इस देश की सत्ता का रंग बदलने का काम करेगा जी। अब कहिए कैप्टन आई सिंह जी, इन्होंने तो माला बना ली, किसानों की माला बन गई, किसानों की माला बन जाने का मतलब है कि असर प्रभावी होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसान इनके साथ नहीं है, एक भी किसान इनके साथ नहीं है। इन्हें पहले अपने नेता के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि राकेश टिकैत आज से 20 साल पहले क्या थे। मैं गिनती करा हूं, राकेश टिकैत के चार भाई है और चारों का इतिहास गिनती करा देंगे कौन क्या करता था। राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल थे, सबसे छोटा भाई एक कंपनी में चपरासी का काम करता था, एक और आज उनके पास 400 बीघा जमीन है, ये कहां से आई? पहले आपने देखा, अब कहोगे कि आपने पकड़ाया को नहीं, जांच चल रही है, सब पकड़े जाओगे बच्चों के। आप पूरे आंदोलन में अगर मैं मैं 200 लोग गिन सकती हूँ, 200 लोगों की अनुमति होगी मुझे उस किसान आंदोलन में जिन्होंने बॉर्डर जाम कर रखा है, जिसका हवाला बार बार दे रहे हैं, उन 200 लोगों में से आप एक ही का नाम बार बार क्यों लेते हैं? वो 199 तो किसान हैं, उनके बारे में तो बात कर लीजिए। चलिए राकेश टिकैत की आप अलग हटा लीजिए, कहिए कि ये राजनीति कर रहे, सियासत कर रहे, जो राजनेता बने घूम रहे किसानों के, जो असल किसान है या जिन्हें नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आया उन्हें तो समझाएंगे कि उन्हें बैठे रहने देंगे आप सड़कों पर ही? आप इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है, ने भीड़ का नाम नहीं लिया जाता, नेता का नाम लिया जाता है, जो नेतृत्व करता है उसका नाम लिया जाता है। नहीं नहीं बिल्कुल, भीड़ का भी नाम लेते, भीड़ का नाम क्यों नहीं लेते? मॉब लिंचिंग किसको कहते हैं? भीड़ का नाम नहीं लेते, आप भी ऐसी बात बता रहे कैप्टन आई सिंह जी। आप सुनिए कैप्टन आई सिंह जी, अगर इस तरीके से अगर आप सुनिए अगर आप एक चावल पका हुआ बता करके बताने वाले कि भगोने में चावल पक गया कि नहीं पक गया, तो आपके दल में भी फिर सफाई आधे साफ नहीं रह जाएंगे। कई नेता बहुत दागी हैं, अथाह दागी हैं, तो क्या कहें भाजपा पूरी दागी हो गई? ऐसा नहीं कहते ना, राजनेताओं का चयन उनके चरित्र के हिसाब से किया जाता है। आप पहले मेरी बात सुने। हाँ जी, खाली एक पक्ष लेकर मत बैठा करो, अगर एक पक्ष के लिए बैठा करो तो बता दिया करो कि हमें सिर्फ एक पक्ष लेना है। एक पक्ष की बात नहीं हो रही यहाँ पे। नहीं नहीं, आप पक्ष ही वाली बात आप कर रही हो। कैसे बताइए? आपने कहा, आपने कहा कि हमारे यहाँ दागी नेता है, आप साबित करके बताइए कि हाँ। हम दागी है और हम साबित करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके दिखा के आइए ना, आप सुप्रीम कोर्ट में अपना सर्टिफिकेट दिखा करके आइए कि सदन में सबसे ज्यादा दागी नेता आपके नहीं है, मुझसे क्या सर्टिफिकेट मांग रहे? जाइए सुप्रीम कोर्ट में मांग के आइए। अरे तो आप कैसे कह सकती हो? आपको क्यों नहीं कह सकती हूँ? क्यों नहीं कह सकती हूँ? मैं कहता हूँ कि आप चोर, आपका चैनल चोर है, बोलिए।
मर्यादा में रह करके अगर आप कैप्टन हरि सिंह जी कहेंगे तो बेहतर रहेगा, मर्यादा में रह करके कहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। नम्रदार जी मैं आपको मौका दूंगी, अगर कैप्टन हरि सिंह जी मैं पूरी भाजपा की तुलना मात्र कुलदीप सेंगर से कर दूं, क्या ये वाजिब माना जाएगा? कुलदीप सेंगर जवाब सुनिए, कुलदीप सेंगर जैसे ही उस पर आरोप सिद्ध हुआ हमने अपनी पार्टी से निकाल बायरा किया, और ये मालूम होना चाहिए कि ये कुलदीप सेंगर पहले कांग्रेस का था, ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी। आपने हम तो अच्छे समझ कर लेते हैं, जब उनकी औकात पता चलती बाहर निकाल देता। औकात पता करते करते आपको एक साल बीत गया आरोप से धोने पर, आरोप लगने के बावजूद गणित मत समझाया करिए कैप्टन हरि सिंह जी, दोबारा चैनल पर के चैनल की बदनामी करने का प्रयास मत करिएगा, वरना कॉल पट्टी खोलने मुझे 2 मिनट लगता है। आपका ज्ञान मुझे बहुत ज्यादा है, आप 4 दिन की एंकर हो, हमारी 30 साल की राजनीति है। मेरी 4 दिन की एंकरी की तुलना मत करिएगा, आपकी राजनीति की इतिहास की पोल पट्टी खोलने के 4 दिन बहुत है, एजेंडा चलाने 4 दिन बहुत है, एजेंडा चलाने को तो रही तो तस्वीर आपकी बदल जाएगी। पर तस्वीर हम आपकी बदल जाएगी, जो चैनल यहाँ बैठा है हम चले गए, ये आतंकवादियों का समर्थन करने वाला चैनल। अच्छा सर आतंकवादी का समर्थन किया आईसी जी, कौन से चैनल का समर्थन किया, कौन से आतंकवाद का समर्थन किया? अगर नहीं किया हुआ तो ये ध्यान रखिएगा कि आप पे मैं क्लेम करवाऊंगी इस बात का, अगर नहीं किया हुआ तो क्लेम होगा आपके ऊपर। कुछ भी बोल देने का अधिकार लोकतंत्र में आपके पास नहीं है, डिफेमेशन का केस लगा दूंगी मैं आपके ऊपर, फालतू की बात करने के लिए मत बैठा करिए पैनल पे। कुलदीप सेंगर को क्या क्लीन चिट दे दूं क्या? चिन्मय नंद को क्लीन चिट दे दूं क्या? आपको देखिए अपने गिरेबान में जिसको नहीं झांकना होता दूसरे पे करता है, और इतना यकीन रखिएगा जो आपने अभी वक्तव्य दिया है उसके बुनियाद पर आप पे डिफेमेशन का केस बहुत आराम से लग सकता है। आपको कितने पैसे मिले ये सब कुछ कहने के लिए, ये बताइए कितने पैसे मिले? आपकी औकात नहीं है कि आप मुझे इतने पैसे दे पाए, आपकी औकात नहीं है कैप्टन हरि सिंह जी, तुम्हारी औकात कितनी मैं जानता हूँ। कोशिश भी मत करिएगा, नहीं है आपकी इतनी क्षमता, नहीं है आपकी इतनी क्षमता, और दोबारा पैनल पर बैठिएगा मेरे साथ कभी। दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जब इंसान अपनी खामियों को एक तरफा देखना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि सियासत कहां जा रही है। कल महापंचायत है, क्या तस्वीरें आएंगी लगातार को दिखाई